अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। मैं इस वक्त एक अजीबोगरीब पहाड़ियों के दरमियान खड़ा हूँ। ये मेरे चारों तरफ आपको नोकीले पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, इन्हें कैनियन कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैनियन होते क्या हैं। कैनियन बुनियादी तौर पर वादी को कहते हैं, खाई को कहते हैं, और ये हवा की जो रफ्तार है उससे और आमतौर पर दरिया के कटाव से बनते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब दरिया अपना रास्ता बदल देता है तो जब कई हज़ार साल गुज़र जाते हैं तो उसके बाद ये कैनियन वजूद में आते हैं। ये चकवाल के बिल्कुल साथ हैं, चकवाल के पहलू में वाक़ हैं। अपना ये पाकिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में भी इस तरह के कैनियंस मौजूद हैं, और ये चकवाल के ये जो पहाड़ियां नज़र आ रही हैं ये सारी कैनियंस हैं। अच्छा, दुनिया में जो सबसे बड़े कैनियंस हैं वो हैं नॉर्थ एरिजोना अमेरिका में, और उसे कहा जाता है ग्रैंड कैनियन पार्क। एक अंदाज़े के मुताबिक उन कैनियंस की उम्र 50 से 60 लाख साल पुरानी है। 2600 फुट उनकी बुलंदी है और 277 मील यानी तकरीबन 450 किलोमीटर वो लंबे हैं, मतलब उनकी तवालत है। 450 किलोमीटर के इलाके में वो फैले हुए हैं और 4 से लेकर 18 मील यानी यूँ कह लें कि जो है ना वो 7-8 किलोमीटर से लेकर और 25 से 30 किलोमीटर तक उनकी चौड़ाई है। अमेरिका वालों ने तो खैर इसको एक बाकायदा पार्क का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कुछ भी क्यों ना हो हम उनकी देखभाल नहीं करते। आप देखें बड़ी अजीबोगरीब सी जो है वो चट्टानें नज़र आ रही होंगी, ये सामने जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुत खड़े हैं। ये एक बड़ा क्लासिकल जो है वो सीन है। अच्छा, जो अमेरिका में यानी एरिजोना में जो कैनियंस हैं उनकी गहराई बाज़ जगहों पर 1 मील से भी ज़्यादा है, यानी 1.6 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये कैनियंस इतनी गहराई में नहीं है। मैं इस वक्त जो है वो कैनियंस के बिल्कुल दरमियान में हूँ। आपको मुख्तलिफ जो है वो कैनियन की शक्लें जो दिखा रहा हूँ कि ये हवा के कटाव से ये किस तरह बनती है, मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया और इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें पैदा की, पहाड़, दरिया, वादियाँ, जंगल, चट्टाने, और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत के शाहकार हैं। ये आप करीब से देख रहे होंगे, ये इन कैनियन की शक्ल है। दराड़ें पड़ी हुई हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई कमज़ोर हैं, ये बाकायदा ये देखिए, ये मैंने एक मिट्टी का ढेला जो है ये उठाया है। ये बुनियादी तौर पर मिट्टी ही होती है, मतलब ये पुख्ता चट्टाने नहीं हैं। हर चट्टान की शेप आपको अलग नज़र आएगी, ऐसे लगता है जिस तरह ऊपर से जो है वो पानी गिरा हो और वो पानी जो है वो इन चट्टानों को तराशता हुआ गुज़र गया हो। हवा की गुज़रगा और पानी का कटाव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बड़ी मतलब अच्छा खास इसके रकबे का तो नहीं पता कि इसका रकबा कितना है, लेकिन जो है वो ये भी अच्छे खासे इलाके में फैले हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि कम से कम 2-2.5 मुरब्बा किलोमीटर में ये चट्टाने होंगी। ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये सारी चट्टाने हैं। ये देखें, ये अजूबा है। यूँ समझ लें कि ये मिट्टी के अजूबे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ जो है वो शाज़ गिलानी आए हुए हैं। शाज़ गिलानी अपना गोप्रो पकड़ के और वो मुख्तलिफ चट्टानों का आपको विज़िट करवा रहे हैं, और मैं अपने गोप्रो के साथ आपको ये चट्टानें दिखा रहा हूँ। सूरज की रोशनी चूँकि इधर से आ रही है,
तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊं जहां आप सूरज की रोशनी में इनको ज़रा बेहतर तौर पर देख सकें। ये बिल्कुल मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे 2-3-4 आदमी खड़े हैं, मतलब मट्टी के बने हुए आदमी। सुनसान जगह है, हम दोनों के अलावा इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। और ये मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, ये भी आपको ये देखें, ये चट्टाने जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इनको देखकर कुदरत की सनाई पर यकीन पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें जो है वो इस दुनिया में पैदा की हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। मैंने नहीं कभी भी सोचा था कि मैं इस मकाम पर आऊँगा और आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। लेकिन तारीख सिर्फ वो नहीं है जो मकबरों में दफन है या जो मोहल्लात में दफन है या जो है वो मंदिरों या गुरुद्वारों में है, ये भी तारीख है। और मैंने बताया ना कि एरिजोना की जो जो है वो कैनियंस हैं उनकी तो उम्रों का अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया है कि 50-60 लाख साल पुरानी है। तो हो सकता है कि ये मुझे नहीं पता कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन बहरहाल ये भी पुरानी है। और ये देखें जी, ये जो मैं दूर से दिखा रहा था ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं इधर से जाने की कोशिश करता हूँ, करीब जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको करीब से दिखा सकूँ। ये सामने का नज़ारा देखें, ये सारा ज़मीन का कमाल है जी। अच्छा, ये इसके बिल्कुल साथ दरिया दहराब बहता है, छोटा सा दरिया है, दरिया स्वां का मुआवन दरिया है दरिया दहराब। और इन चट्टानों के साथ जो है वो दहराबी डैम भी बना हुआ है। ये एक खो सी बनी हुई है, एक अल्लाह जाने इसके अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल ये मैं ऊपर जाने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ कि मैं ऊपर जाके आपको ज़्यादा नज़दीक से दिखा सकूँ। शायद कोई यहाँ कोई जहरीले जानवर या कीड़े भी होते होंगे, यकीनन। ये देखें, ये चट्टाने हैं, ये मैं जितना करीब आ सकता था मैंने जो है वो आपको दिखाई हैं। तो ये मत समझिएगा कि मैं आज आपको मकबरों की जगह या कहीं और ले आया हूँ। ये जनाब, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं जितने भी किए जा सकें। देखिए, मेरे सोचा और तरफ जो है वो ये चट्टानें बिखरी हुई हैं। मैं इसका जो है वो कोशिश करूँगा कि ड्रोन व्यू भी इसमें शामिल कर दूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पर इनको ऊपर से देख सकें। तो आज मैंने कहा कि बजाय किसी मकबरे की तारीख बताने के आपको ज़मीन की तारीख बताते हैं, जुग्राफिया दिखाते हैं, क्योंकि तारीख और जुग्राफिया, आज का जुग्राफिया कल की तारीख, ये मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि जो कुछ आज मौजूद है कल जब वो मिट्टी के नीचे दब जाता है या उसमें क़दामत आ जाती है तो वो तारीख बन जाती है। और यही सूरत अली यहाँ है कि ये जुग्राफिया भी है और तारीख भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, आपने बेशतर नाज़रीन ने शायद इस तरह की चीज़ें ना देखी हों, लेकिन ये इनका हुस्न जो है वो अपनी जगह है। ये जानने की तो आज तक किसी को जहमत ही नहीं हुई कि चकवाल कैनियंस का रकबा क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में इस जानब कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये ऊंची नीची नोकीली और मिट्टी की बनी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ कभी दरियाए दहराब की पुरानी गुजरगाह हुआ करती थीं। वैसे तो शायद किसी ने इस दरिया का नाम ही ना सुना हो, लेकिन इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर सफ़र करने वालों को शायद बलकसर इंटरचेंज के करीब वाकई वो ढलान याद हो जहाँ मोटरवे अचानक ही कई फुट नीचे जाकर एक पुल पर से गुजरती है। ये पुल इसी दरिया दहराब का है जो कल्लर कहार
और बलकसर के दरमियान से गुजरता है। वैसे तो ये एक छोटी सी बारानी नदी है, लेकिन इसे दरियाए धाराब कहा जाता है, जबकि इसके करीब ही धाराबी डैम और इसी नाम का एक कस्बा भी मौजूद है। दरिया उथला होने की वजह से इसका पानी बराह रास्त आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए इस पर एक छोटा डैम तामीर किया गया जिसकी झील को एक टूरिस्ट रिजोर्ट में तब्दील करने का काम जारी है। दरिया धाराब दरिया समा का मुआवन दरिया है और ये तहसील ज़िला चकवाल में वाक़ बलकसर मोटर इंटरचेंज से तकरीबन 15 किलोमीटर यानी 3.9 मील के फासले पर दरिया समा में गिर जाता है, जो इसके पानियों को आखिरकार दरिया सिंध तक ले जाता है। धाराब का नाम दो अल्फाज धर और आब का इम्तिजाज है, जिसका मतलब है पानी के दरमियान। मुमकिन है कि ये इलाका कभी चारों तरफ से पानी में घिरा हो, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। चकवाल कैनियंस धाराबी झील के किनारे पर वाक़ एक पुरसकून जगह है, जहां बारिश और हवा के कमाल से मिट्टी का कटाव होता है और इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलते हैं। इस जगह को पाकिस्तान का मिनी हंगोल भी कहा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में वाक़ हंगोल का इलाका भी ऐसी ही कटी फटी पहाड़ियों की वजह से मशहूर है। कैनियन बुनियादी तौर पर खड़ी अतराफ के साथ एक गहरी और तंग वादी को कहा जाता है। ये लफ्ज़ हस्पानवी लफ्ज़ कैनन से आया है, जिसका मतलब है ट्यूब या पाइप। घाटी की इस्तलाह अक्सर वादी के मानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन घाटी तकरीबन हमेशा ही वादी से ज़्यादा खड़ी और तंग होती है। कैनियन आमतौर पर दरियाओं की नकलो हरकत, मौसम और कटाव के अमल और टेक्टोनिक सरगर्मी से तख्लीक होती है। दरियाओं में ज़ेरी सतहों को काटने का कुदरती रुझान होता है, इसलिए जूं जूं इसकी गहराई बढ़ती है इसके अतराफ़ की बुलंदी ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह ये दरिया जब अपना रुख बदलते हैं तो वो चट्टानें पीछे ही रह जाती हैं जिन्हें कभी काट कर इसने रास्ता बनाया होता है। यही चट्टानें कैनियन बनती हैं, जिन्हें कुदरत का एक हसीन नज़ारा करार दिया जाता है, क्योंकि इसमें 100% कुदरती अमल ही कारफरमा होता है। दुनिया के अक्सर ममालिक में इस तरह की हवाई वादियाँ या आबी दर्रे मौजूद हैं, जो बिलाशुबा कुदरत का एक अनमोल शाहकार हैं। इनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि किसी भी कैनियन या वादी को उसकी गहराई, लंबाई या कुल रकबे के लिहाज से नापा जाता है, और उनमें हिमालय समेत उन पहाड़ी घाटियों को भी शुमार नहीं किया जाता जो बगैर किसी दरियाई कटाव के बनी हैं और नाकाबिले रसाई हैं। तिब्बत में दरियाई यारलोंग सांगपू के साथ वाक़ यारलोंग सांगपू ग्रैंड कैनियन या सांगपू वादी 5,500 मीटर या 18,000 फुट तक गहरी है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे गहरी वादी या कैनियन कहा जाता है। ये अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से कदरे लंबी है। कुछ लोग वस्त मगरबी नेपाल में काली गंडाकी घाटी को सबसे गहरी कैनियन समझते हैं, जिसमें दरिया की सतह और उसके आसपास की चोटियों के दरमियान 6,400 मीटर या 21,000 फुट का फ़र्क है। अमेरिका में सबसे गहरी वादियाँ जनूबी पीरा में कोटा हवासी कैनियंस और कोलका कैनियंस हैं। दोनों की गहराई 3,500 मीटर यानी 11,500 फुट से ज़्यादा है। अमेरिका में शुमाली एरिजोना की ग्रैंड कैनियंस की औसत गहराई 1,600 मीटर यानी 5,200 फिट और हजम 4.17 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर या 147 ट्रिलियन क्यूबिक फिट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनियंस में से एक है। ग्रैंड कैनियंस ऑफ नॉर्दर्न एरिजोना न्यू 7 वंडर्स ऑफ नेचर वर्ल्ड के सर्वे के 28 फाइनलिस्टों में शामिल थी, जबकि कुछ लोगों ने इसे दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में से एक करार दिया। इसी तरह अफ्रीका की सबसे बड़ी कैनियंस नमीबिया में दरिया मछली की वादी है, जबकि अगस्त 2013 में ऑपरेशन आइस ब्रिज के डाटा के तजिए की बुनियाद पर ग्रीनलैंड की ग्रैंड वादी की दरियाफ्त की इत्तला दी गई। ये बर्फ़ की चादर के नीचे वाक़ है। 750 किलोमीटर या 470 मील लंबी ये दुनिया की सबसे लंबी वादी या कैनियन मानी जाती है। हम तो रावलपिंडी से चकवाल पहुंच गए चकवाल कैनियन देखने के लिए, लेकिन यहाँ आकर एक बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं। और ये एहसास इसलिए हुआ कि चकवाल के रहने वालों को नहीं पता कि उनके बिल्कुल पहलू में दुनिया का एक अजूबा मौजूद है।
वैसे तो हमने गूगल आंटी से मदद ली यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन अगर किसी से गलती से हमने पूछ ली भी लिया कि यार हमने चकवाल कैनियन जाना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने सवाल किया कि ये चकवाल कैनियन है क्या। फिर उन्हें बताया कि जी ये कोई नोकीली पहाड़ियाँ होती हैं, ये नोकदार छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उसे कैनियन कहा जाता है। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। तो अफसोस है कि दुनिया का एक अजूबा यहाँ मौजूद है, लेकिन इस शहर के रहने वालों को नहीं पता कि उनके आसपास क्या चीज़ है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जिस सरज़मीन पर रहते हैं ये सरज़मीन कैसी है। अल्लाह ताला ने ये अजूबे इसीलिए दिए हैं कि हम इन पर फ़ख्र कर सकें, इन्हें देख सकें, लेकिन ये बेएतनाई कि आपके शहर के साथ एक जगह मौजूद है और आप जानते नहीं, ऐसा ना करें। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे को अगर आप नहीं भी जानते, तो कम से कम आपके अपने जो शहर हैं उनके बिल्कुल पहलू में जो जगहें वाक़ हैं उन्हें ज़रूर जानें, ताकि बाहर से आने वाले लोग जब आपसे पूछें कि हमने फलां जगह जाना है, तो आप उन्हें बता सकें। तो चकवाल वालों से गुजारिश यही है कि चकवाल वाले जो है वो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बिल्कुल पहलू में दुनिया का एक अजूबा वाक़ है। तो अगर वो इस अजूबे की हिफाज़त नहीं कर सकते, करेंगे भी क्या। मैंने बताया ना कि अमेरिका का जो एरिज़ोना पार्क है उसे बाकायदा नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। वो सियाहत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ आने के लिए हम कुछ गलियों में से गुज़रे, कुछ मोहल्लों में से गुज़रे, कच्चा रास्ता है, टूटी हुई सड़क है। हम जगहों की हिफाजत तो खैर क्या करेंगे, हम उन रास्तों की भी हिफाजत नहीं करते जो इस तरह की जगहों को आती हैं। तो चकवाल की इंतज़ामिया से मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश है कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को बताएं कि उनके शहर के आसपास क्या चीज़ें हैं, और कम से कम यहाँ आने के रास्ते दुरुस्त कर दें, ताकि हमारे जैसे जो मैं आप बेशक पागल कह लें या दीवाने कह लें, कि हमारे जैसे जो दीवाने हैं, तारीख़ के दीवाने हैं, ज्योग्राफी के दीवाने हैं, वो बआसानी यहाँ पहुँच सकें। मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब भी मेरा आना हुआ या कोई भी बंदा यहाँ आएगा, तो उन्हें ये ज़रूर जो है वो पता होगा कि चकवाल कैनियन है क्या, ये कैसे बनती हैं, और इनका रास्ता कम से कम इस हद तक ज़रूर ठीक हो जाएगा कि लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकें। जो लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर से आते हैं, बलकसर इंटरचेंज से उतरकर थुआ बहादुर एक इलाका है, बिल्कुल बलकसर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, वहाँ से इन कैनियंस को रास्ता आता है। अगर थोड़ी सी हुकूमत तवज्जो दे तो ये एक बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है, बहुत अच्छा सियाहती मकाम बन सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर जगह नहीं पाई जाती। पाकिस्तान बड़ा खुश नसीब मुल्क है कि यहाँ हर तरह की सरजमीन है, हर तरह का मौसम है। बात सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की है, बात सिर्फ थोड़ी सी वफ़ादारी दिखाने की है। वफ़ादारी सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क के लिए कर्ज़े मांग लाएं, या जो है वो इसकी मईशत को सुधार लें, या इसकी सियासत में जो है वो एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डाल कर खड़े हो जाएँ। मुल्क की खिदमत असल में ये है कि इस मुल्क को इस काबिल बनाएं कि लोग जो है इसे देखने के लिए आ सकें, आपके ज्योग्राफी को, आपकी तारीख को देखें, इसकी तारीफ़ करें, और बाहर जाकर बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम मेरे नाज़रीन के तवसुत से, मेरी वीडियोस के तवसुत से उन ज़िम्मेदारों तक ज़रूर पहुँचेगा जो इस जगह को संभाल सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।